क्या हमें मिल चुकी है वो मूवी जिससे परिणीति चोपड़ा क्रिएट कर लेंगी अपनी एक न्यू इमेज इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। अगर आप अब तक पहचान नहीं पाए हैं तो आपको बता दें कि बात कर रहे हैं आज यानी 14th of October को रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म कोड नेम तिरंगा की, जहां एज रॉ एजेंट नजर आ रही है परिणीति और उनके लवर के कैरेक्टर में देखा जा रहा है हार्डी संधु को। मूवी में है शरद केलकर भी, हु इज प्लेइंग एज खालिद ओमार, जिन्हें पकड़ने के मिशन पर निकल चुकी है परिणीति। मूवी में देखा जा रहा है रजत कपूर, दिव्येंदु भट्टाचार्य, सब्यसाची चक्रवर्ती जैसे भी कई एक्टर्स को, जिन्हें डायरेक्ट किया है रिभु दास गुप्ता ने। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसी रही सबकी परफॉर्मेंस इन दी मूवी। तो परिणीति को स्क्रीन पर देखना इज वेरी रिफ्रेशिंग, उनके गन फाइटिंग वाले सीन्स लगे काफी अच्छे और साथ ही उन्हें एक एक्शन अवतार में देखना था काफी न्यू। कह सकते हैं कि जिस तरह कंगना रनौत ने एक बहुत अच्छी ट्राई की इन मूवी धाकर, तो उसी तरह परी ने भी छोड़ी नहीं कोई कमी अपनी साइड से कोड नेम तिरंगा में। वही हार्डी ने भी किया है अच्छा काम। लेकिन जब आती है मूवी के मेन एंटेगनिस्ट यानी शरद की बात, तो उनकी सारी मेहनत गई इन वेस्ट, क्योंकि उनके करेक्टर को लिखा ही नहीं गया है अच्छा। उन्हें हर मूवी में दिखने वाले मुस्लिम टेररिस्ट जैसा ही शो किया गया है, इसलिए वो स्क्रीन पर लगते नहीं है स्ट्रॉन्ग। अब करें अगर स्टोरी की बात, तो उसमें आपको कुछ फ्रेश देखने को नहीं मिलता है, वही पुरानी स्टोरी चल रही है जिसे हम कई बार देख चुके हैं। और फिर जब आता है क्लाइमेक्स, तो वो भी अपसेट कर जाता है आपको, एज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। यानी अगर रिभु दास गुप्ता ने मूवी को डायरेक्ट करने के साथ भी लिखा भी है, तो वो इस चीज में नहीं हो पाए हैं पूरी तरह से सफल। उनकी डायरेक्शन की बात जब आती है, तो वो आपको ओके लगने वाली है। कोड नेम तिरंगा में एक्टर्स कमाल के होकर भी स्टोरी लाइन की वीकनेस को कवर नहीं कर पाए हैं, और जो बेंचमार्क शायद परिणीति सेट करना चाहती थी अपने लिए, वो भी इस मूवी से तो नहीं हो पाया है कम्प्लीट। वी विल रेट कोड नेम तिरंगा 2.5 stars out of 5। एंड टू नो मोर बॉलीवुड न्यूज एंड रिव्यूज, स्टे ट्यून्ड टू Google Bollywood.